बुरहानपुर के सांसद ज्ञानेश्वर पाटिल ने इंदौर इच्छापुर हाईवे का निरीक्षण किया है। निरीक्षण के दौरान सांसद ने इंजीनियरों को मरम्मत के दिशा निर्देश दिए हैं। सांसद ने कहा कि यह कार्य युद्ध स्तर पर किया जाए, अधिकतर काम रात के समय में किए जाएं ताकि यातायात प्रभावित ना हो, राहगीरों को किसी भी प्रकार की कोई भी परेशानियों का सामना ना करना पड़े। बता दें कि इंदौर इच्छापुर हाईवे अब इंदौर ऐदलाबाद नेशनल हाईवे का हिस्सा बन गया है। तकरीबन 1.5 साल पहले यह NHAI के अधीन हो गया था। अभी लोगों को काफ़ी परेशानी हो रही है क्योंकि NH में हो गया, टेंडर हो गया, तो इसमें NH की जिम्मेदारी है और ये जो ठेकेदार है ठेकेदार की जिम्मेदारी बनती है कि इस रोड को वो मेंटेन करके रखे और लोगों को आवागमन में किसी प्रकार की दिक्कत ना हो। तो जो है कि लगातार लोगों की शिकायतें आ रही है, गड्ढे काफ़ी है क्योंकि मेरा भी रोज आना जाना होता है, तो उसी लिए हमने NH के अधिकारियों को भी और जो ठेकेदार के प्रोजेक्ट मैनेजर हैं उनको भी लाकर दिखाया कि भैया इसको कम से कम मेंटेन करो ताकि लोगों को दिक्कत ना हो। नए हाईवे क्या प्रोसीजर है, कब तक की शुरू हो जाए? बस कुछ परमिशन बाकी है, जल्दी ही स्टार्ट हो जाएगा। गड्ढे भरते जा रहे हैं, पीछे अभी मानसून का टाइम है तो डामर का काम तो रुकेगा नहीं। हम जहाँ से हो रहा है हम आपका बेवर ब्लॉक और मोरम डाल के रोड को मेंटेन कर रहे हैं, तो हम इस तरह से पूरा प्रयास कर रहे हैं कि मतलब ट्रैफिक को दिक्कत ना हो। कब तक ये हमारा गोरगांव से लेके अपना शाहपुर तक का पैकेज हमारे पास, तो हम सभी जगह अपने लेवल पर काम चालू हो जाएगा।